में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अभी मैंने पहले ही बताया झारखंड में एग्जाम चल रही है, तो भाई ये एग्जाम का पार्ट 3 है। फिजिक्स का मैंने 16 नंबर के लिए मोटर और डायनेमो का पहला पार्ट बनाया और पार्ट 2 में मैंने श्रेणी और समानांतर क्रम मतलब पाशव क्रम के बारे में बताया कि उसके समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाले जाते हैं, और ये आज मैं बताऊंगा ओम का नियम, और मिलाकर 16 नंबर का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फिजिक्स का वो कंप्लीट। तो भाई चलिए इस वीडियो में बने रहें और देखें। तो मैं ओम के नियम को समझाने के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर ये दिमाग में बैठ गया ना तो फिर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे बनाकर लिख देना है। तो चलिए भाई देखो, मैंने यहां पर आप ध्यान दो पहले सबसे पहले कि मैंने यहां पर एक बैटरी लिया है। तो भाई बैटरी तो आप जानते हो बैटरी होता है, उसे जोड़कर बल्ब चलाया जाता है, और उस बैटरी को मैंने आप देखो तार से जोड़ दिया बल्ब से, लेकिन यहाँ पर जो दो डब्बे दिख रहे हैं ये एक वोल्ट मीटर और एमीटर है, मतलब दो मशीन है। एक वोल्ट मीटर है जो घी के वैल्यू वोल्ट्स कितने हो बताएगा, और एक एमीटर है जो आई मतलब ये एम्पियर बताएगा कितना एम्पियर है आई, ठीक है। तो एक विद्युत धारा बताती है, एक विवाहता बताता है। ये दोनों मशीन लगाकर और जैसे ही हमने स्विच द्वारा इसको रोशनी मतलब जैसे ही हम ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलेगा, लेकिन ये जो एमीटर और वोल्ट मीटर का कांटा ये कुछ बताएगा। तो मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जैसे ही ऑन किया तो वोल्ट ये बता रहा था 20 वोल्ट और ये बता रहा था 10 एम्पीयर, तो मैंने मतलब मुझे लगा ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया भाई कि इसे इस तार को यहां से खोलकर और ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर मैंने दो बैटरी को एक साथ लगा दिया। अब दो बैटरी लगाने के बाद ऑटोमेटिक है कि भाई वोल्टेज बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ भी गया, और वोल्टेज बढ़ने के बाद देखिए बल्ब की रोशनी भी बढ़ गई थी, कांटा भी कुछ ज्यादा बता रहा था। अब मैंने कांटा को देखा तो ये बता रहा था 30 वोल्ट और यहाँ बता रहा था 15 एम्पियर, या हो सकता है 30 से ज्यादा ही बताए, मतलब कि डबल बैटरी लगा दी तो हो सकता है, लेकिन शायद एक बैटरी थोड़ा सा शॉर्ट होगा। जो भी हो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये 30 वोल्ट और 15 एम्पियर बता रहा था। अब ये तो मेरे पास में नहीं था, कांटा जो बता रहा था वो बता रहा था। उसके बाद मैंने बल्ब को आगे और जोड़ दिया और इसे भी कनेक्ट कर दिया, अब रोशनी और बढ़ गई। मन में लग रहा होगा कि सर इतना इतना बैटरी जोड़ेगा फ्यूज कर जाएगा, अरे भाई चलो मान लेते हैं बल्ब फ्यूज ही कर गया, कैंसिल, बल्ब फ्यूज हो गई है, टूट गया, फ्यूज हो गया, अब क्या करें। तो भाई क्या करना है, बल्ब नया ले आते हैं, कुछ हाई पावर का बल्ब ले आते हैं, बड़ा वाला बल्ब लगा देते हैं। एक बल्ब मैंने बड़ा वाला लगा दिया, अब हाई पावर का एक बल्ब है जो 3 बैटरी जलाने के बाद भी जल रहा है। तो फिर अब हमने देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो 45 वोल्ट हो चुका था लेकिन यहाँ पर 15 एम्पीयर गिरा, तब मुझे झटका लगा कि क्या हो रहा भाई। फिर मैंने बोला कि भाई बड़ा बल्ब लाए एक बार और बढ़ा ही लेते हैं, और एक लास्ट तक मैंने एक बैटरी और जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हुआ, तो जोड़ने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ये हो गया, मान लेते हैं कुछ भी ले लो, मान लेते हैं 60, और यहां पर जो था ये 20 हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई, कुछ अब मैं इसको रिलेशन में दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो भाई अब मैं R V / I ले लूं तो 20/10 कितना होता है, 20/10 कट के 2 हो जाएगा, 30/15 2, लेकिन 45/15 3 हो रहा है ना, और 60/20 3 हो रहा है। ये कब हुआ इस कंडीशंस में, ये यहां के बाद चेंजिंग कब आई थी, जब बल्ब फ्यूज कर गया था। बल्ब फ्यूज किया इसका मतलब कि जो बल्ब है इट इज ए रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध बदलने पर ये अनुपात बदल गए, मतलब कि कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब भी और आई समानुपाती होते हैं, और कब तक समानुपाती होते हैं, जब तक उस प्रतिरोध को बदल नहीं दिया जाए। बल्ब बदल दिए गया, प्रतिरोध बदल गया, मतलब कि अगर बैटरी हम कमी ये 10 था ना, अगर हम इस एक बैटरी को लगाकर जोड़े ना तो शायद यहां पर 30 आ जाए, क्योंकि ये बल्ब है, पुराना वाला बल्ब नहीं है। पुराने वाले बल्ब में वो प्रतिरोध 2 ओम का था, जबकि तीसरे इसमें 3 ओम का हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि अगर ये बल्ब नहीं फ्यूज करता ना तो बैटरी कितना भी जोड़ते जाते ना सब केवल डबल होते जाता, मतलब 15 था तो 30 हो जाता, तो इस तरह से सब डबल होता जाता। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, और इसी को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम है कि जब अन्य बातें समान हो, मतलब कि और कोई भी इफेक्ट नहीं किया जाए, तो किसी चालक के विद्युत धारा का प्रबल, धारा मतलब आई का प्रबल, उनके विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब उसका अनुपात जो होता है वो समान रहता है। यही ओम का नियम है,
और इसी चीज को आपको लिख कर बनाना रहता है। तो आप लिखने की मैटर को बात करेंगे, समझने का समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसे ऐसे कितनी भी बैटरी जोड़ दो तो इसका अनुपात नहीं बदलता है, भले बल्ब फ्यूज कर जाए लेकिन वही बल्ब लगाओगे फिर अनुपात वही रहेगा। तो अब इस चीज को ओम के नियम में समझना है। तो इसी ड्राइंग को, चूंकि अब भाई लिखने वाला प्रोसेस का ड्राइंग ऐसा मत बना देना बिल्कुल, ये ड्राइंग ऐसा बनता है। अब आ जाओ इधर, अब क्वेश्चन के पैटर्न पे आते हैं। देखो जो बल्ब दिखाए थे वो एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखा दो, ये हो गया प्रतिरोध, और वोल्टमीटर एमीटर डब्बा नहीं उसे एक राउंड राउंड शेप में दिखा दो, ये वोल्टमीटर मशीन हो गया, ये एमीटर और यहां बैटरी है और ये स्विच है। अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, अब पूरी पढ़ाई लैंग्वेज में कैसे लिखना है एग्जाम में ओम का नियम। तो सबसे पहले ओम का नियम इसको भाई लाइन से देख किताब से याद कर लेना कि किसी चालक के विद्युत धारा का प्रबल उनके बीच के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, अन्य बातें समान रहे ये आगे भी जोड़ना है। और ये ओम का नियम आप याद कर लेना किताब से, पहले तो ये लाइन याद कर लेना। इसके बाद अब मैं एक लैंग्वेज बता रहा हूँ, मोटे तौर पर इसको डायरेक्ट लिखोगे बन जाएगा। तो लिखोगे कि किसी चालक को मतलब कि या किसी प्रतिरोध को हम उसके दोनों सिरों को वोल्टमीटर से और एक सिरे को एमीटर से होते हुए उसे सेल से जोड़ देते हैं। क्या किसी प्रतिरोध या चालक को दोनों सिरों को वोल्टमीटर से और एक सिरे को एमीटर से जोड़ते हुए उस प्रतिरोध को और उसे किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब उसके बाद आप लिखना कि उसके बाद पुनः एक सेल मतलब एक बैटरी, दो सेल, तीन सेल, चार सेल लगाकर उसके वोल्टमीटर तथा एमीटर का पठन लेते हैं, मतलब वोल्टमीटर और एमीटर का पठन लेते हैं, ठीक है ये लिख देना है, मतलब कि आपने इसका पठन ले लिया। उसके बाद इन जो मान आता है ना, आपको मान बना के दिखाना नहीं है, आपको लिख देना है कि भाई आपने क्या किया, किसी प्रतिरोध को आपने दोनों ओर वोल्टमीटर और एक तरफ एमीटर से जोड़ते हुए सेल से जोड़ दिए, उसके बाद एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल इस तरह से लगाकर उसके वोल्टमीटर तथा एमीटर का पठन लेते हैं और धारा विभवांतर ग्राफ। अब देखो होता क्या है ना, समान अनुपात का ग्राफ अगर बनाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है धारा विभवांतर ग्राफ में इन्हें दिखाने पर एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। मतलब पहले कितना आया था, कितना एम्पियर, कितना वोल्ट, दूसरा में कितना एम्पियर, कितना वोल्ट, जब सारे बिंदु को दिखा के एक स्ट्रेट लाइन में आता है। तो लैंग्वेज समझ लेना है, धारा विभवांतर ग्राफ में इसे दिखाने पर यह एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी चालक के विद्युत धारा का प्रबल उनके विभवांतर के समानुपाती होता है। और यही हो गया ओम के नियम का सत्यापन। तो अगर आपको कभी भी ये पूछ दे कि आप ओम के नियम को ग्राफिक विधि से सत्यापित करें तो बस कुछ नहीं करना, यही ड्राइंग है। आपको इस ड्राइंग में फिर से एक बार अगेन रिपीट कर देना इस क्वेश्चन को कि किसी प्रतिरोध को दोनों ओर वोल्टमीटर तथा एक ओर एमीटर से जोड़ते हुए एक सेल से जोड़ देते हैं और एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल अलग अलग लगाकर उसके वोल्टमीटर तथा एमीटर का पठन लेते हैं और उसे धारा विभवांतर ग्राफ में जब हम दिखाते हैं तो ये ड्राइंग और ये ड्राइंग बनेगा। धारा विभवांतर ग्राफ में जब उसे दिखाते हैं तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी चालक के विद्युत धारा का प्रबल उनके बीच के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब ओम के नियम को नीचे फिर से लिख दो ये कह सकते हैं और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है काफी इजी सा प्रूफ है। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने पॉलिटेक्निक के बच्चों से भाई कि अभी आपको झेलना पड़ रहा है मेरे ये सब वीडियोस, तो भाई आई काइंडली रिक्वेस्ट कि टेंथ का एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं टेंथ के बच्चों को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ये बच्चे भी चूंकि पॉलिटेक्निक का तैयारी इनको भी करना है और ये 9 तारीख के बाद हमारे झारखंड में इनका एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर अभी एग्जाम का टेंशन है, आप एग्जाम के लिए लोग कोऑपरेट करा दीजिए। तो मैं आप लोगों को तब तक लेटरल एंट्री की बात हो रही थी कि लेटरल एंट्री कौन कर सकते हैं और बिहार के बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि झारखंड में पॉलिटेक्निक एग्जाम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है या झारखंड के 10 के बच्चों का बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है। इनसे रिलेटेड मैं लगातार अभी कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यू डाल दूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए, कौन सा बुक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। तो चलिए भाई, अगर आप मेरे चैनल को आज ज्वाइन किए हो क्योंकि बहुत सारे जगह मेरे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, तो अगर आप जो आज ज्वाइन किए हो तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है और आने वाले समय में खुद आपको अनुभव होगा। और आप 10 के बच्चे अगर हो तो मैं आपको एक बार और बोलूंगा प्लेलिस्ट में जाना, संस्कार टेक्निकल का जो एक लोगो दिख रहा होगा जब उसको दबाओगे तो मेरी पूरी वीडियो का चैनल खुलेगा, उसमें आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो 10 क्लासेस का, उसमें जाकर जब वीडियो खोलोगे सारे 10th के वीडियो एक जगह मिल जाएंगे, उससे आपको तैयारी करने में काफी मदद मिलेगा। और ये मत सोचना कि अभी इतनी वीडियोस है, अभी लगातार पर डे मैं 10th के बच्चों का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ
तो भाई इंतजार पर डे आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। देखते ही याद हो, मैं नहीं चाहता कि इसको 10 बार देखने की जरूरत पड़े, आप एक बार देखो एग्जाम का एक एक क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट होता जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे इस चैनल पर अपने एग्जाम के समय कीमती समय में ज्यादा लॉस करें। तो आपके समय को ध्यान रखते हुए आज का वीडियो भी खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।